एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की वीडियो पे हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टॉपिक तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स, तीन एसेंशियल प्रोडक्ट्स ऐसी कौन सी हैं जो कि हर लड़की के पास ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि हम लोग हम सब लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो हमें ऑफिस भी जाती हैं, हम लोग को ज़रूरत होती है कि कोई ऐसी, मतलब कोई हैंडी प्रोडक्ट हो जो कि हमारे बैग के अंदर इजीली फिट आ जाए और हमारा पूरा मेकअप उससे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मैं इसके अंदर, आप लोग चाहें तो मस्कारा ऐड कर सकते हैं अगर जिन लड़कियों को मस्कारे का शौक़ है, लेकिन मैं मस्कारा को एसेंशियल नहीं समझती क्योंकि मुझे लगता है कि डेली मस्कारा इस्तेमाल करने से लैशेस ख़राब होती हैं, लैशेस टूटती हैं। और लैशेस में ना, हमारे मेरी तो लैशेस, मैं अगर डेली इस्तेमाल करूँ, मेरी अगर, मैं भी कॉलेज जाती हूँ तो मेरी डेली अगर मैं लैशेस अगर लगाऊँ, मस्कारा अगर लगाऊँ तो मेरी लैशेस टूटती हैं और बहुत ज़्यादा क्लम्पी से हो जाती है। मुझे लगता है कि नहीं, मस्कारा नहीं लगाना चाहिए डेली बेसिस पे, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये एक आप मेरे सामने देख रहे हैं कि दिस इज़ अ ब्राउ टिंट, दिस इज़ बाय लशेस कॉस्मेटिक्स। इसका मैंने पूरा रिव्यू दिया हुआ है, ज़रूर मेरी वीडियो चेक कीजिएगा। दिस इज़ वेरी नाइस ब्राउ टिंट और इससे बहुत नेचुरल लुक आती है क्योंकि ये बिल्कुल मस्कारे की तरह होता है, हल्का सा, बस 1 मिनट में जल्दी से हमारे ब्राउज़ पे लग जाता है। अगर ब्राउज़ बहुत हमारी मोटी मोटी सी ब्राउज़ हैं, अगर बहुत पतली थिन सी भी ब्राउज़ हैं तो भी ये, मुझे लगता है कि अगर हम डे टू डे का मेकअप कर रहे हैं तो ये बहुत, हमें कोई पेंसिल्स वगैरह से बहुत आर्च वाली ब्राउज़ बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उससे बहुत फेक लुक आती है। ठीक है, दूसरी प्रोडक्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ आ मेबलिन की मास्टर ड्रामा काजल पेंसिल। आप चाहें तो इसकी जगह पे व्हाइट पेंसिल, अगर जिनको व्हाइट पेंसिल का शौक है, जिनकी आईज थोड़ी सी छोटी हैं, हुडेड हैं, उनको शौक है कि वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी उनकी आंखें नजर आए, तो वो व्हाइट पेंसिल भी लगा सकते हैं, मगर व्हाइट पेंसिल जो है वो इतनी नेचुरल लुक नहीं देती है। ब्लैक पेंसिल जो है वो नेचुरल लुक देती है, लेकिन जो हमारी ये होती है ना ब्लैक पेंसिल, ये बहुत नेचुरल लुक देती है, लेकिन जो व्हाइट पेंसिल होती है उससे थोड़ी सी फेक लुक आती है। तो अगर आपको पसंद है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। अगर आपको अच्छी लगती है व्हाइट पेंसिल लगाना तो व्हाइट लगा सकते हैं, मगर मेरी आंखें बड़ी हैं तो मुझे तो ब्लैक ही सूट करती है, मुझे व्हाइट इतनी पसंद ही नहीं है तो मैं ब्लैक ही लगाती हूँ। आप चाहें तो व्हाइट भी ले सकते हैं, नेक्स की ले लो, नेक्स ब्रांड है NYX, बहुत अच्छा है, उसकी जम्बो पेंसिल ले सकते हो, 700-800 की मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको व्हाइट ब्लैक पेंसिल का शौक है तो मास्टर ड्रामा बड़ी अच्छी गोल्ड लाइनर पेंसिल 1000 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन 900 की है ये। इसका मैंने पूरा रिव्यू दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो चेक कीजिएगा। और तीसरी प्रोडक्ट आपको जैसा कि पता ही होगा, इसको मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना दी, इसके बाद मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाली। दिस इज़ जीरो मेकअप बाय नबीला। हाउ आई गेट इट फ्रॉम नबीला सैलॉन, जस्ट 2750 रुपीज़। मैंने 2750 रुपये का इसको कैसे ख़रीदा, आप लोग मेरी वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको पूरी डिटेल में पता चल जाएगा। और इसके अंदर आपको कंसीलर भी मिल जाएगा, फाउंडेशन भी मिल जाएगी, बहुत लाइट नो मेकअप लुक वाली, पाउट और जो लिपस्टिक होती है, लिपस्टिक चाहे तो आप कोई और भी इसके अंदर रख सकते हो, नीचे आपको इसका पाउडर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो तीन ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन जिनसे जो है ना हमारा, ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं तीन प्रोडक्ट्स। चाहे तो इसके अंदर मस्कारा ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ब्लैक पेंसिल की जगह पर व्हाइट पेंसिल ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इस जीरो मेकअप वगैरह शौक नहीं है कि फाउंडेशन वगैरह लगाओ तो जस्ट एक लिपस्टिक रख लो या एक बेनिफिट की बेनिटिन रख लो, उससे आपका ब्लश और लिपस्टिक भी हो जाएगा और बड़ा प्यारा सा पिंक सा आपको अच्छा शेड मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इसके अंदर ऐसी एक और या कोई और प्रोडक्ट ऐड होनी चाहिए कि इतनी बहुत है। ठीक है, एसेंशियल, थ्री एसेंशियल प्रोडक्ट्स हमारे लिए, वैसे तो लड़कियों के लिए इतना मेकअप जितना भी रख लो बस कम ही होता है, मगर क्या ये ठीक है? कोई मुझे सजेशन दीजिएगा अगर आपको लगता है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और अगर नहीं भी अच्छी लगी है तो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मुझे अपनी वीडियो के अंदर क्या चीज़ और ऐड करनी चाहिए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।